नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार आखिर किसको हो, केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को, इसको लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, बहस भी जारी थी, लेकिन अब लोकसभा में इसको लेकर अब लगता है पूरी तरह से मामला साफ हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और संसद की तरफ से जब बिल के तौर पर एक कानून बन जाएगा और साफ हो जाएगा कि अब दिल्ली में अफसर जो हैं वो किसके नाम पर आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग उनकी पोस्टिंग होगी। लेकिन जब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को रखा तो हंगामा तो जाहिर तौर पर हुआ। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर अब तक की चर्चा भी हुई और अमित शाह ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अध्यादेश बिल का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं उनसे वो ध्यान भटकाना चाहते हैं और अपने हाथ में इस मामले को रखना चाहते हैं, क्योंकि तब से अब तक लगातार उन अफसरों के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो गई थी जिन्होंने की जो उनका बंगला बना था जिसको लेकर विवाद हुए थे, पैसे इतने कहां से खर्च हुए, कौन से पैसे थे, कैसे लगे, उन सबके ऊपर भी गाज गिरनी शुरू हो गई थी। तो ये तमाम मामला संसद में चला, हंगामा भी हुआ, लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि इतने दिनों की हलचल और हंगामे के बीच जब संसद नहीं चल पा रही थी, कम से कम आज विपक्ष इस मुद्दे पर बैठा और चर्चा हो रही है। तो जरा आज इस पर चर्चा करेंगे कि अब मणिपुर पर क्या स्टैंड चेंज हो चुका है और दिल्ली पर जब जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह ने तो कांग्रेस का रुख जो है वो आज कैसे बदल गया। क्या ये सिर्फ और सिर्फ अब जो नया गठबंधन हो रहा है 2024 के लिए उसी राजनीति और रणनीति का हिस्सा है कि पुराने सभी मतभेद भुला दिए गए हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की उस कार्यवाही के कुछ बयानों पर जो आज चर्चा में रहे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। 239(a)(3)(b) बहुत स्पष्ट है, इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मनुष्य क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है? मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले जी। कुछ ही समय बाद ये पता चले, कुछ ही समय बाद पता चले पंडित जी नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो माननीय अधीर रंजन जी से इतना पूछना चाहता हूँ कि इनके पंजाब के माननीय सदस्य बिट्टू जी बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, अमर सिंह जी बैठे हैं, इनके दिल्ली के नेता संदीप दीक्षित जी रोज बयान पे बयान दे रहे हैं, तो इनका क्या मत है इसके विषय में? हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। इधर उधर की बात मत कर, बता कफीला कैसे लूटा। अजय जी, जिसमें देश की अस्मिता वैभव को चोट पहचाने वाली जो मानसिकता है उसको रोकने के लिए बिल लाया गया है। अध्यक्ष जी, शुड स्पीक ऑन द बिल सर। तो विपक्ष का हंगामा तो बदस्तूर जारी है, लेकिन मुद्दा यह है कि जब बिल पर बहस चल रही है तो फिर इस तरह से
ये जो हंगामा है इसका मुद्दा क्या है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी मौजूद हैं, हमारे साथ परविंदर सेठी जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, हमारे साथ राहुल सिंह कजला जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगावकर जी भी। लेकिन मैं जरा परविंदर सेठी जी आप ही का रुख करना चाहूंगी। ये भ्रष्टाचार जो गृह मंत्री ने बात कही कि मुद्दा अध्यादेश नहीं है, मुद्दा तो वो जो एक बंगला बने न्यारा वाला एक स्लोगन दिया गया था उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उन सब का मामला खत्म करने के लिए ये सारी पावर अपने हाथ में रखने की बात है, इस पर पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग, इसका मतलब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी ईमानदारी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जिस सरकार के नीचे हैं वो उसी की बात करते हैं, उसी का काम करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। इस बात के ऊपर देश के गृह मंत्री एक स्टैंप लगा रहे हैं कि अगर ये दिल्ली सरकार के नीचे होंगे तो वो सबूत सारे खत्म कर दिए जाएंगे, वो दिल्ली सरकार के अधीन है इसलिए दिल्ली सरकार नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब से बंगले का मुद्दा आया और जिन जिन अफसरों ने उस पर कार्रवाई की उन सबके खिलाफ एक तो फाइलें भी चोरी हो गई, गायब हो गई, फाइलों का पता ही नहीं चल रहा है कि गई कहां रात के अंधेरे। देखिए आप तो जब फाइलें गायब हो जाए अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो जाए तो ये कमेंट आया है इसलिए। नहीं नहीं, ये देश का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है और देश के अंदर हम इस बात के ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं कि हमारे हमारे देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमारे देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार उसी उसी की चलेगी तानाशाही, वही ये तय करेगा किसको न्याय मिले किसको न्याय मिले, कौन भ्रष्टाचार कर सकता है और किसके भ्रष्टाचार को छुपाया जा सकता है। ये बड़ा चिंता का विषय है। परमेंद्र जी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है ना, दिल्ली में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफर पोस्टिंग के जो ऑफिसर्स हैं वो चाहे दिल्ली के अधीन रहे चाहे सेंट्रल सरकार के अधीन रहे, अगर मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर जो भी पैसा लगा है उसके अंदर नंबर दो का तो पैसा लगा नहीं, सारा पैसा ऑन रिकॉर्ड लगा हुआ है, उसकी उसकी जांच सीबीआई भी कर सकती है, उसकी जांच कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कर सकती है, अगर उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार पाया जा सकता है तो उसके लिए सजा तय हो सकती है। ओके, लेकिन शिवम छाबड़ा जी एक मिनट एक एक करके बात करते हैं। शिवम छाबड़ा जी ये जो बयान आया है कि मुद्दा यही है कि अफसर किसके अंडर में रहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने इसी बात का विरोध भी किया कि नाम के लिए तो मुख्यमंत्री वो है लेकिन सारी पावर एक एक करके बाहर जा रही है, और यही बात परविंदर सेठी भी कह रहे हैं। रीमा जी दिल्ली को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, मुझे लगता है आप बहुत समय से दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली की राजनीति को दिल्ली की परिस्थिति को समझती हैं। 1993 में जब दिल्ली में पूर्ण राज्य की सरकार बनी, दिल्ली के अंदर मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर बीजेपी के बने, केंद्र के अंदर नरसिम्हा राव की साहब की सरकार थी, गवर्नर निश्चित रूप से एलजी साहब जो अपॉइंटेड थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट के थे, कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम, शानदार तरीके से दिल्ली का शासन प्रशासन चलता रहा। 1998 के अंदर में दिल्ली के अंदर में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, शीला जी मुख्यमंत्री बनी, केंद्र के अंदर में अटल जी की सरकार थी, निश्चित रूप से जो एलजी साहब थे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए थे, उनके उनके अनुमोदित बनाए गए थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आई, दिल्ली का शासन प्रशासन शानदार तरीके से चला, किसी प्रकार की दिल्ली को कॉम्प्रोमाइज होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया साहब कि आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही आपको छोटी सी छोटी बात के लिए आप एलजी को दोषी ठहराते हैं, छोटी सी छोटी बात के लिए आप कोर्ट चले जाते हैं, भाई ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी आपको है? शासन प्रशासन पहले भी शानदार चल रहा था, अब भी ठीक चल रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि केवल जो ये पॉलिटिकल फाइट है ना ये खत्म नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा देश पर शासन करने की है, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा बड़ी है, इसलिए वो एक संदेश देना चाहते हैं देश भर में कि किस प्रकार से शासन कर। इस मुद्दे पर मैं आऊंगी, लेकिन राहुल जी जवाहरलाल नेहरू का जब जिक्र करते हैं गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने तब से लेकर अब तक बताया तो ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी अब इतनी क्यों बदल गई है कि आप अपने ही पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात को नहीं मान रहे अब? नहीं मैडम, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो इस मुद्दे पर काफी शुरुआत से ही स्पष्ट है और ये जो विधेयक संसद में लाया गया है ये साफ तौर पर जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म हमारे देश में उस पर एक आघात और इसने एक बार फिर से यह चीज स्पष्ट कर दी है कि भाजपा की मानसिकता सिर्फ यही है कि दो लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं पूरे देश को चलाएं, राज्यों के जो अधिकार है उनका हनन
पिछले कई सालों से, पिछले 9 सालों से भाजपा करती आ रही है और इसके ऊपर कांग्रेस अपनी आवाज शुरुआत से उठा रही है, तो कुछ बदला नहीं है। पर जो हमारे संविधान के जो मूल्य हैं उनके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है उसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी बात रख रही है संसद में भी और संसद के बाहर भी। नहीं तो नेहरू जी क्या चाहते थे यही तो बताया ना गृह मंत्री ने, संदीप वो तो चाहते ही नहीं थे ना कि दिल्ली के साथ इस तरह जो आज आप लोग बात कर रहे हैं वो हो। तो आपको तो एक तरीके से सरकार के साथ होना चाहिए फिर इस मुद्दे पर, अगर आप अपने पूर्व प्रधानमंत्री की बात सुने। नहीं, जो दिल्ली के अभी अधिकार हमारे लीगल स्टेचर में, लीगल स्ट्रक्चर में रखे गए हैं उनके हिसाब से तो जो स्टेट का राइट होता है वो उन्हें दिए गए हैं। अगर बीजेपी आगे इसके ऊपर अगर उनका जो दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है एज अ स्टेट उसको अमेंड करना चाहती है वो एक डिफरेंट एक मुद्दा बन जाता है ऑल टुगेदर। ही नेहरू जी का जो आर्गुमेंट था वो काफी डिफरेंट था, माननीय गृह मंत्री जी ने भी यही कहा कि उन्होंने सिर्फ उन्हें कोट किया था, उनका वो ओपिनियन था या नहीं था ये उन्होंने नहीं कहा। शिवम छाबड़ा, देखिए सीधी सी बात है, दिल्ली के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा रीमा जी। दिल्ली के अंदर में लैंड और पुलिसिंग शुरू से आज से नहीं, जब से वो पूर्ण राज्य, जो जब से राज्य के एक हम कह सकते हैं एनसीटी और दिल्ली बनी, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में लैंड और पुलिसिंग एलजी साहब यानी कि केंद्र सरकार के अधीन रहती है। और जो बाकी जो अन्य विषय हैं चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो और अन्य जितने दिल्ली के विषय हैं वो दिल्ली सरकार उस पर पूर्णतः स्वतः निर्णय लेने के लिए काबिल है, इसमें किसी को कोई आपको कंसल्टेशन नहीं करना है। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं इसी बात की उनकी लड़ाई है, उन बात को उनको लगता है कि साहब ट्रांसफर पोस्टिंग। अब आप कल्पना करिए जो कोर्ट के अंदर, जिसकी ये हवाला भी दे रहे थे कि दिल्ली के प्रिंस स्ट्रक्चर को, तो दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं, बेंच ने भी अपनी जजमेंट के दौरान ये कहा कि साहब अगर यदि कहीं भी किसी प्रकार का भी कोई लॉ का अभाव है दिल्ली को लेकर के, तो केंद्र सरकार उस मामले पर लॉ ला सकती है और उस अभाव को पूरा कर सकती है ताकि निर्णय कर सके। और मुझे लगता है केंद्र सरकार ने उसका पालन किया है और आज दिल्ली के अंदर ऑर्डिनेंस बिल लेकर के आए हैं जिससे क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए। मैं सबसे ले लेती हूं फिर मैं जरा इस मुद्दे पर दोबारा आऊंगी। जरा मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जी आपका रुख करना चाहूंगी। ये जब दिल्ली में बंगले की बात उठी थी जिसका जिक्र संसद में भी आज गूंजा, इससे पहले भी लगातार दिल्ली वाले वो बंगले की तस्वीरें भी देख रहे थे, इस पर सवाल भी हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान जो थे वो भी वायरल हो रहे थे कि उन्होंने कहा था मुझे तो बस 2 कमरे का घर चाहिए और उससे ज्यादा मैं रहना ही नहीं चाहता। उन्होंने एक पब्लिक में ओपिनियन लिया था और पब्लिक के ओपिनियन से उनको ये पता लगा था। तो आपकी पार्टी क्या मानती है, ये भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर के जो गाज गिर रही है अफसरों पर वो होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी, आपकी पार्टी का रुख क्या है? मुझे लगता है जो देश का जो संविधान है, देश का जो लोकतंत्र है, वो तब मजबूत होता है जब वहां की जो राज्य सरकारें हैं उनको सहयोग करने का काम केंद्र सरकार करती है। लेकिन जब हम 9 साल से इस सरकार की परिपाटी को देख पा रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं निरंतर ये कोशिश करी जाती है कि राज्य सरकारों के कार्यों पर किसी तरह से बाधा उत्पन्न करी जाए। जबकि देश का और राज्य का विकास तब हो सकता है रीमा जी जब हम ये स्वतंत्र करें उनको कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुद वो जिम्मेदार रहे। आज कोई भी घटना घटती है, मैं आप ही की बात का समर्थन करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आज कोई घटना घटती है दिल्ली पर तो सीधा आरोप लगता है केंद्र सरकार पे, जबकि अगर इनको दायित्व तो दे दिया जाता तो माननीय केजरीवाल जी साहब पे प्रोफेसर भुवन भास्कर, प्रोफेसर भुवन भास्कर जी उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये तो पता है ना आपको। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि दिल्ली में अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और भी देश में केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अधिकार दिल्ली के अधिकार बिल्कुल समान है, तो दिल्ली के साथ कोई भेदभाव हो रहा है ये कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादती होगी। रीमा जी मैं आपको शायद जानकारी भी है, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मुझे पता है दिल्ली के शासित प्रदेश है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से क्या कहना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है, माननीय सबसे बड़ी चीज होती है न्यायालय। न्यायालय भी चाहता है कि जो अधिकार क्षेत्र है वो राज्य सरकार को दिलाया जाए, लेकिन क्या हुआ सरकार अपने एक अध्यादेश ले आती है और अध्यादेश लेकर उस कानून की भी अवहेलना हो जाती है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। निश्चित तौर पे लड़ाई बड़ी और हम लोग, हमारी पार्टी बिल्कुल इस लड़ाई में, माननीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम लोग माननीय केजरीवाल जी के साथ। समीर चौगावकर जी, ये जो कानून के विद्यार्थी के तौर पर अभी भुवन भास्कर जी समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप ही से समझना चाहूंगी कि ये जो
एक तरीके से गृह मंत्री ने जिस बात का खुलासा किया, उन्होंने कहा कि आप लोग वही कोट अनकोट कर रहे हैं जो आपकी इच्छा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है और संविधान भी कुछ और कहता है। थोड़ा सा मैं आपसे वो समझना चाहूंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं भुवन जी से कहना चाहता हूँ कि जैसे वो भी जानते हैं और सब जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरी बात आपको ये मैं बता दूं कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर ये अध्यादेश गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में भी लेता उसको, पहले हियरिंग में भी उसको खारिज कर देता कि यह संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में लिया, इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को दिल्ली की सरकार जो उसके अधीन है उसमें कानून बनाने और परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है, और उसी आधार पर केंद्र सरकार परिवर्तन कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल इतने उतावले क्यों हो रहे हैं और केंद्र सरकार वहाँ के जो अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल से बचाना क्यों चाहती है। आप सबको मालूम होगा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ किस तरह से मुख्यमंत्री के आवास में मारपीट की गई थी। चीफ सेक्रेटरी कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आप मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में किस राज्य में कभी किसी चीफ सेक्रेटरी के साथ मुख्यमंत्री आवास में उस पार्टी के नेताओं ने मारपीट की है? कभी कोई ऐसा इतिहास में उदाहरण मिला है क्या? तो जिस जब आपके हाथ में अधिकारी नहीं है तब उस अधिकारी के साथ मारपीट कर सकते हो, तो अगर आपके पास अगर अधिकारी आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे ये पूरा देश जानता है। इसका जवाब तो परमिंदर सेठ ही दे पाएंगे। एक मिनट, परमिंदर सेठ ही, वो तस्वीरें, वो सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल होना, उनकी आप बीती अफसरों की, उसको तो डिनाई कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि सच्चाई झूठ नहीं बोलती। देखिए, बात फिर वहीं से शुरू होती है कि जो चीफ सेक्रेटरी के साथ जो हुआ उसकी बात हो रही है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जो अमित शाह जी ने बोला पार्लियामेंट के अंदर कि जो ऑफिसर्स हैं, अब जो ऑफिसर्स का इन्फ्लुएंस जब सेंट्रल सरकार के ऊपर था तो उन्होंने इनको काम नहीं करने दिया, दिल्ली सरकार को पूरी तरह से तंग परेशान करा। उसके बाद उन्होंने 8 साल कानून की लड़ाई लड़ी। 8 साल कानून की लड़ाई लड़ने के बाद ये है कि देखिए उनको बेइज्जत क्यों किया गया अधिकारियों को, उनके साथ में जाती क्यों की गई, सवाल तो ये है ना। अगर उनके साथ और फाइलें कहां गायब हुई इसका जवाब नहीं मिला। अगर उनके साथ कोई जाती हुई है तो उसकी FIR दर्ज होगी। सरकारी मुलाजिम के ऊपर अगर किसी ने अटैक करा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर जिन लोगों ने इनको तंग परेशान करा, काम नहीं करने दिया, लड़ाई होती है, उसके बाद जब कोर्ट की छुट्टियां होती हैं उस दिन शाम को चोरी छिपे से ये अध्यादेश लाया जाता है। और आप जो कानून में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर दिल्ली की सरकार के अंदर उनके ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स नहीं होंगे तो वो काम किस प्रकार कर पाएगी, ये कोर्ट की जजमेंट के अंदर है। उसके बाद आपके पास 5 सेकंड की बात कहना चाहता हूँ, आपके पास अधिकार है अध्यादेश लाने का, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन हर बात के अंदर आप डिक्टेटरशिप करेंगे, हर बात के अंदर इमरजेंसी के अंदर अध्यादेश लाया जाता है, बड़ी ऐसी परिस्थितियों के अंदर अध्यादेश लाया जाता है, आप हर बात के ऊपर अध्यादेश लाएंगे, आप डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। शिवम जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, जरा मुझे एक मिनट, जरा राहुल सिंह जी इसी मुद्दे पर मैं उनके पास आना चाहूंगी। राहुल सिंह जी, क्योंकि गठबंधन हो चुका है INDIA, जाहिर तौर पर निगाहें तो अभी उस पर लगी है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही कि आप लोगों की वो पुरानी बाइट्स मैं निकाल निकाल कर दिखाऊं, जब बंगले को लेकर आप लोगों का रुख था, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पूरा क्रेडिट ले रही थी कि शराब घोटाला तो हमने ही निकाला है, शिक्षा घोटाला हम ही लेकर आए बाहर, तो वो सारी बातें भूल चुके हैं अब आप? मैडम, जहां तक बंगले की बात है तो बंगला रीमा जी कल शाम में या आज सुबह नहीं बना है, बंगले को बने हुए समय हो गया है। अगर उस बंगले में वास्तव में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो क्यों केंद्र की सरकार ने, जब उनके पास तमाम एजेंसियां हैं, जिस भी राज्य में जब भी चुनाव होता है तो सैकड़ों वहां पर छापे मार दिए जाते हैं, तो क्यों अभी तक कोई कार्रवाई वास्तव में नहीं हुई है? दूसरी बात, न्यायपालिका पर ये बहुत बड़ा आघात किया गया है। न्यायपालिका ने जब दिल्ली की सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि इसी मसले में दिल्ली की सरकार के पास अधिकार होगा ट्रांसफर्स करने का, पोस्टिंग्स करने का, तो फिर क्यों इतनी आनंद फानंद में ये ऑर्डिनेंस लाया गया? मुझे तो यह राहुल जी, ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ, ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? मैडम, हमारे पार्टी की ऑफिशियल लाइन आज हमारे नेता ने संसद में बहुत ही साफ तरीके से रखी। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि एक महीने पहले ऑफिशियल लाइन कुछ और थी, एक महीने के अंदर गठबंधन होते ही ऑफिशियल लाइन चेंज हुई है, यही मैं जानना चाहती थी। समीर जी को जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ये दिल्ली के मकान में जो भ्रष्टाचार, केजरीवाल के शीश महल को लेकर जो बोल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो मैं इनको बता दूं
कि 10 करोड़ तक के ऊपर के जो बिल होते हैं वो एलजी के पास अप्रूव होने के लिए जाते हैं। केजरीवाल ने इसे बहुत स्मार्टली खेल खेला है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल बनवाए 8 करोड़ के 8.5 करोड़ के 9 करोड़ के 7 करोड़ के, जिससे जो खर्चा हुआ है उसके बिल एलजी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाए और जाँच न हो सके। इस कारण उस पर जाँच नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई भी बिल 10 करोड़ के ऊपर आपने बनाया नहीं कि एलजी के पास जा सके। नहीं, उस बात को अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है 10 करोड़ से कम का बिल था या ज्यादा से। अगर भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं है, मैंने सैकड़ों डिबेट करी है इसके ऊपर। पहले उनका ये था जी, इन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, इन्होंने इतना बड़ा बंगला बना लिया, इन्होंने इतना बड़ा महल बना लिया, करप्शन नहीं है, इन्होंने बंगला क्यों बनाया, इन्होंने पैसा क्यों खर्चा। अब वो लाइन तो खत्म हो गई जब इनके बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने इससे बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़े बड़े प्लेन लिए। प्रधानमंत्री जी ने 8400 करोड़ का प्लेन लिया, प्रधानमंत्री जी का 1500 करोड़ मुख्यमंत्री का आवास होता है, वो घर तो लेके नहीं जाएंगे, पर्सनल घर तो है नहीं उनका। जेल से जो वीडियोस आए सीसीटीवी के, वो भी कोई बीजेपी ने तो नहीं किया था ना? सत्येंद्र जैन के जो वीडियो आए थे, किसने करा? अलग से सेवाएं लेते करा? जेल अधिकारियों ने करा था। जेल से जो वीडियो आए वो भी प्लांटेड तो नहीं थे, वो तो सबके सामने आया। तो हर चीज पर पर्दा डालने का एक जो नियम बना लिया है उसकी जरूरत है क्या? देखिए, डिक्टेटरशिप की राजनीति है। आप जेल के अंदर से वीडियो, आपने वीडियो बना, अगर वीडियो नहीं आता बाहर तो पता ही नहीं लगता कि वहां क्या हो रहा है। बताइए, जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है उसको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करी गई है, और जेल के अंदर जेल के कैदी ही फिजियोथेरेपी करते हैं। और ये जो जेल के स्पोक्सपर्सन थे उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा थेरेपी और मसाज में फर्क होता है। शिवम चावड़ा, छोटी सी बात बताता हूं, मेरे फादर बीमार थे, एक बार फिजियोथेरेपिस्ट आता था, 3 बार मैं फिजियोथेरेपी करता था। देखिए, अगर डॉक्टर रेकमेंड करता आपने इस तरह से, सबसे कोई भी करा सकता। सबसे मुझे सेठी जी की बात पे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा संकोच भी हो रहा था कि मैं उनको किस प्रकार से जवाब दूं। लेकिन सोचना ये चाहिए कि अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या क्या बात कही और क्या क्या बातों पर यूटर्न मारा, इसका मुझे लगता है लंबी फेरिस्त है। सर, एक ही बात है, और शायद सभी नेताओं के बाद, सभी स्पोक्स पर्सन के बाद एक ही बात सर, दो दो मंत्री जेल में है। केजरीवाल जी ने पहले क्या कहा? सर, दो दो मंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप है। कुछ क्या बात कर रहे हैं? अरे, साबित करना नहीं करना कोर्ट का काम है, आरोप तय करना नहीं करना कोर्ट का काम है। सर, दो दो मंत्री जेल में है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक शराब घोटाला हो गया, आपका पंजाब और गोवा का गुजरात फाइनेंस कर दिया शराब व्यापारियों ने, आपको उसके बाद शर्म नहीं आई? राम रहीम की आपने 7 बार 9 बार पैरोल कैसे हो जाती है? सेठी जी सुनने, संगीन आरोप है। सेठी जी सुनने की शक्ति लाइए, सुनने की शक्ति लाइए। आपको मैंने कहा ना, आप सुनने की शक्ति लेकर के आइए। आपने ये कहा अभी, आप अभी मैं अपने मित्र को सुन रहा था, कांग्रेस के फेलो पैनलिस्ट को, कह रहे थे कि साहब हमारी ऑफिशियल लाइन जरा जाके पूछिए तो सही। दिल्ली के सांसद रहे संदीप दीक्षित ने, उन्होंने 2 दिन पहले क्या बयान दिया कि भाई जो लॉ लाया है, जो लॉ लेके, सुन तो लीजिए सर, अभी तो जवाब ही नहीं दिया, इतने आतुर क्यों हो गए आप? जाके पूछिए ना पंजाब के सांसदों से अपने कि क्या वो इस प्रकार के व्यवहार से आपसे सहमत है? आपने जो INDIA बनाया है, दिल्ली में कांग्रेस का सांसद नहीं है कोई, दिल्ली में इंडिया द्वारा INDIA। रीमा जी, इंडिया की आपको परिभाषा पता है? इंडिया की परिभाषा है कि इंडिया द्वारा नकारा गया, दुत्कारा गया, इनकेपेबल लोगों का अलायंस है ये। आप कल्पना करिए कि केवल केवल मोदी विरोध के लिए आप सोचिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक मंच पे आ जाती है, टीएमसी और आम आदमी कांग्रेस पार्टी एक मंच पे आ जाती है, और उसके बाद अरे हम नहीं घबरा रहे भाई, हमने कोई घबराहट नहीं। कांग्रेस पार्टी और INDIA में है जो भी इनकेपेबल लोगों का अलायंस है। और मैंने ये कहा, उसका आपका जवाब सुनना है, आपका जवाब सुनना है, पीडीपी से अलायंस क्यों किया? आपको पीडीपी का अलायंस का जवाब सुनना है? आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर की सेफ्टी के लिए चाहते हैं? आप बताइए, आप लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर में जम्मू कश्मीर को उसका हिस्सा नहीं बनने दिया और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? शर्म करनी चाहिए। पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, आप डिनाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, आप डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, कोई काम हो नहीं रहा था, संग्राम छिड़ा हुआ था, काले कपड़े, धरना,
सब कुछ चल रहा था, आज ऐसा क्या हुआ कि अब मणिपुर से राय हट करके आज संसद में सब विपक्ष बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? कोई खास रणनीति में चेंज हुआ है या 10 तारीख तक का इंतजार है, अब क्या हुआ है? मैं तालिमा जी आपकी बात का तुरंत जवाब दूंगा, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की बात को मेरे को जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश का प्रश्न है। अभी उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में जो उसका विषय को भी उठाने का काम करा, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा देश में आपकी बोल बोलिए मणिपुर के माध्यम से कि आपकी सरकारों में आप देश की सुरक्षा के साथ क्या कर रहे हैं। तो इस बात पर आप बात करें, आप रीमा जी आपकी बात का जवाब बहुत महत्वपूर्ण जवाब हमसे आप हमें आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं सर। जो लोग हिंदुस्तान की फौज को सर्जिकल स्ट्राइक को क्वेश्चन करते हो, हमें उनकी किसी प्रकार की राय की आवश्यकता नहीं। मेरे को इस पे कोई किसी प्रकार का आप कोई ज्ञान ना दे, ना मुझे आप सुझाव दे, मुझे नहीं चाहिए। आप कहिए जो करना है, लेकिन मेरे को मेरी पार्टी को जो लोग देश की सेना का अपमान करते हुए देश की सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को क्वेश्चन करते हैं, मुझे उनका कोई समिशन नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ना खिलाड़ियों का सम्मान, अराजकता आपने फैलाई, आपको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं, इलेक्शन कमीशन को आप खड़खड़े में खड़ा करते हैं, देश की जांच एजेंसियों को आप खड़खड़े में खड़ा कर देते हैं। अब आप बताइए, आपके लिए एजी साहब दोषी है, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान करते हैं सर। भुवन भास्कर जोशी जी से था, एक मिनट रुकिए, इस तरह से नहीं, भुवन भास्कर जी से सवाल था, संसद का में जो संग्राम चल रहा है वो संग्राम यहाँ मत चलाइए ना, एक मिनट भुवन भास्कर जी पहले आप कंप्लीट कीजिए। आदरणीय रीमा जी सीधे शांत हो गया था, मुझे थोड़ा सा लगा कि हम लोग प्रवक्ता नहीं मछली बजा रहे। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, देखिए आज जो हमारी जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और देश को बचाने की है। आज इंडिया नाम को ले, आज कोई कह रहा I.N. मैंने ये नहीं पूछा था भुवन भास्कर जी, मेरा सवाल ये था कि आज संसद की कार्यवाही चलने देने के पीछे विपक्ष की बदली हुई रणनीति क्या है? मणिपुर पर अब तक इतना पैसा बर्बाद कर दिया जनता का हंगामा कर करके, आज क्या हुआ अचानक? मणिपुर देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ आज कुछ पैसा बर्बाद हुआ, ये बात आपकी ठीक है, आज नहीं इतने दिनों तक 12 दिन। रीमा मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा अगर आप इस तरह टोकेंगे, मैं बता रहा हूँ ये पैसा बर्बाद हुआ ये तो रिकवर हो सकता है, लेकिन जिन सत्ताधारी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ देश बर्बाद हो गया, ये कैसे वसूल करेंगे आप? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये देश बर्बाद जो करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कैसे देश बर्बाद हो रहा है? देश बर्बाद हो रहा है, कैसे बर्बाद हो रहा है? आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, आप अध्यादेश में आएंगे, आप विपक्ष के लोगों का भारतीय जनता पार्टी वाले का एटीट्यूड देखिए, विपक्ष के व्यक्ति ने अपनी आवाज रखी और ये लोग मुझे भाषण समझ रहे, आपने विपक्ष वालों ने कोई बात कही, हमने विपक्ष वालों का आप इसे मर्यादित तरीके से सुन नहीं सकते, यही तो करते हैं आप, विपक्ष को खत्म करेंगे देंगे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, मैं समीर जी का रुख करना चाहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि विपक्ष को कोई पार्टी नहीं खत्म कर सकती, विपक्ष को जनता अगर खत्म कर रही है, वोट नहीं दे रही है विपक्षी दलों को और किसी एक पार्टी को वोट दे रही है, तो आप जनता को बोलिए ना, विपक्ष को खत्म करने के पीछे कोई एक पार्टी तो नहीं हो सकती ना, कैसे खत्म हो जाएगा विपक्ष? अगर आपको वोट पड़ेंगे तो कोई भी पीछे नहीं हो सकता ना, फिर तो वोट पड़ेंगे, तो इसमें बात कहां से आ जाती है विपक्ष को बीजेपी खबर खत्म कर रही है? समीर चौगा, रीमा जी, वो देश के मूड ने सिद्ध कर दिया, देश के मूड ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की अब कहां जगह है, कर्नाटक और हिमाचल से आधी पूरे देश में जा रही है, दो राज्यों से पूरे देश का मूड पता लग जाता है क्या? रीमा जी उत्तर प्रदेश पूछ लीजिए कितने मेयर जिता करके लेकर के आ गए, पूछ तो लीजिए, अगर देश के मूड की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मूड नहीं पता कर रहे हैं, पता नहीं लगता तो भाजपा के नेता और पत्रकार इस तरीके से बौखलाए नहीं होते, इस प्रकार ईडी ने सैकड़ों रेडे नहीं करी होती कहीं, मेरे ख्याल से पत्रकारों से ज्यादा बौखलाहट नेताओं में दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, पत्रकार तो वैसे ही बनता है, बौखलाहट वहां ज्यादा दिख रही है। ओके चलिए, जवाब देना चाहता हूँ समीर चौगाकर जी, मैं आपसे राहुल जी रुकिए ना, बौखलाहट तो सोशल मीडिया पर दिख रही है किसके हैंडल पर सबसे ज्यादा, लेकिन समीर जी इससे पहले क्या यूपीए की सरकार में कोई अध्यादेश नहीं आया, जिस अध्यादेश को लेकर इतने बवाल हो रहे हैं कि सरकार अध्यादेश ला रही है, तो यूपीए के भी थोड़े अध्यादेश थे या पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि अब अध्यादेश के जरिए कानून बन रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं? अध्यादेश रीमा जी
जवाहरलाल नेहरू के बाद से लगातार आते रहे देश की राजनीति के अंदर, लेकिन मैं आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है और आज आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के लेके बात हो रही है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो कट्टर ईमानदार पार्टी की बात उन्होंने की थी और कांग्रेस को महाभ्रष्ट पार्टी कहा था, महालुटेरी पार्टी कहा था, और दिल्ली में सरकार बनाई और जब पहली बार सरकार बनाए तो उसी कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी, बिल्कुल, और बाद में इन्होंने कांग्रेस के साथ आज गठबंधन कर लिया है। मैं तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जन लोकपाल की बात करते थे और ये तो वो पार्टी है, इतनी ईमानदार पार्टी थी कि जिन्होंने अपनी पार्टी के अंदर एक जन लोकपाल नियुक्त किया था, उनका नाम था रामदास जी, एडमिरल रामदास जी, उनकी पार्टी के अंदर जन लोकपाल थे। आज वो रामदास जी कहाँ चले गए, निकाल के बाहर कर दिया उनको कि इनको लोकपाल नहीं चाहिए, अब उन्हें शराब के धंधे में पैसा बनाना है, पार्टी के अंदर लोकपाल नहीं चाहिए। और ठीक है, दिल्ली में तो ये कह सकते हैं कि हमें पूरी ताकत नहीं है, पंजाब में क्या है, पंजाब में तो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अमरिंदर सिंह को कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगा है, कितने नेताओं को चोर कहा, 2 साल से इनकी सरकार है, कितने के ऊपर केस दर्ज किए, क्या अमरिंदर को अरेस्ट किया या किसी मामले में केस दर्ज किया। आज इनकी गाड़ियां वेगनार दिखती नहीं है, बड़े बड़े काफिले में घूम रहे हैं। आज देखिए इनके पंजाब के मुख्यमंत्री जिस काफिले में घूमते हैं वो ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो हुआ उससे बड़े काफिले में घूमते हैं। तो सब में वो वेगनार कहां गई? नहीं, मैं आपको मैं उस पे आता हूँ, मैं समीर जी की बात का जवाब दे दूँ। जिस कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं आप, गुलाम नबी आजाद को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, ज्योतिराजय सिंधिया को, कांग्रेस एडमिरल रामदास जी कहाँ, आपने कितने ही लोगों की सरकार बना दो जिनके ऊपर आपने पार्टी के अंदर जो आपके थे महाभ्रष्टाचार, लोकपाल कहाँ चले गए पार्टी के अंदर, हटाए क्यों उनको, बना दिया आपके पास इस बात, सेठी जी मुझे इस बात का जवाब दे दो, एडमिरल रामदास को क्यों हटाया, आपने एडमिरल रामदास को क्यों हटाया पार्टी राज्य के जनता के, आप बताइए ना, अपमान करा आपने, इसका मतलब एडमिरल रामदास को क्यों हटाया आपने, कहीं पे भी सीबीआई जी दो चीजें वो पूछ रहे हैं ना, एडमिरल रामदास को क्यों हटा दिया, वेगनार कहां गई, देखिए पार्टियों में लोग आते हैं जाते हैं, एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री, अरे जन लोकपाल थे वो, आपके नेता नहीं थे, आपके प्रधानमंत्री 8400 करोड़ का, वो जन लोकपाल आपने अपॉइंट किया था कि पार्टी के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, पार्टी के अंदर कोई अनैतिक काम नहीं हो, पार्टी ईमानदारी के रास्ते पर चले, इसके लिए जनरल को आपने अपॉइंट किया था रामदास को, कोई बात नहीं होती, और रामदास जब ऑब्जेक्शन लिया आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ तो निकाल के बाहर कर दिया आपने उनको, आवास बन रहा है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, अच्छा आप पंजाब का बताइए मुझे, पंजाब में आपके मुख्यमंत्री ने कितने केस दर्ज किए, आप बताओ, जनता ने नकार दिया, आप पंजाब का जवाब दे दीजिए ना, जनता ने नकार दिया, कर्नाटक की जनता ने नकार दिया, आप पंजाब का जवाब दे दो, सरकती नजर आ रही है, इसलिए आप घबराए हुए, बौखलाए हुए और अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जिनको आप कह रहे हैं वो किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, वो तो पार्टी के प्रवक्ता है, जिस वो पत्रकार होने के नाते उनको भी तो बीजेपी का समर्थक बोल रहे हैं, सेठी जी मैं पत्रकार के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ, रामदास जी को क्या उठाया आपने, समर्थन कर रहे हैं, जो ट्रेंड बन गया ना ये ठीक नहीं है, ये ट्रेंड जो बन गया है ठीक नहीं है कि मीडिया वालों पर हमले करेंगे, ट्रेंड ठीक नहीं है। एनीवेज मैं ये जानना चाहता हूँ परमिंदर जी रुके, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ क्योंकि जो डिबेट है वो आप लगातार उसी मुद्दे पर लेकर आ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, इनका ऐसा, लेकिन यहां पर सवाल इसीलिए खड़ा होता है अरविंद केजरीवाल पर बार बार कि जो वादे करके वो आए थे सत्ता में, उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो ये वादे नहीं थे जो बाकी के दल के नेता करते रहे, उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल ही आम आदमी कहा था ना, अच्छा, इसलिए सवाल खड़े होते हैं इतने बड़े बंगले पर, इतनी बड़ी गाड़ी पर, इतनी सारी सिक्योरिटी पर, हमने तो कहा नहीं हम तो भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन एक ईमानदार आदमी है, उसने गरीब आदमी का हाथ पकड़ा, मजदूर का हाथ पकड़ा, गरीब आदमी को फ्री पानी, शीश महल की बात हो रही है अभी, फ्री शिक्षा, फ्री शीश महल, जिसका मॉडल पूरे संसार के अंदर, मैं जवाब दे देता हूँ सिटी जी, आपने क्या करा, आपकी फ्री शिक्षा मुझे मेरी जवाब सुनिए सर, आप जवाब दीजिए, दिल्ली में आपने कितने स्कूल बनाए, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आपने नए कितने स्कूल बनाए, इसका जवाब दे दीजिए, एफआईआर नहीं दर्ज करी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, चीखने से आप सच्चे नहीं हो जाएंगे, आपकी डिक्टेटरशिप, चीखने से आप सच्चे नहीं होंगे, इसका पॉइंट ब्लैंक आंसर दे दीजिए, सच और झूठ, दिल्ली में आपने कितने नए स्कूल बनाए, एक जवाब दीजिए,
दिल्ली में आपने कितने नए कॉलेज बनाए? एक जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। स्कूल का बताइए सर, अखबार में पढ़ता छोड़ दीजिए सर, आप अखबार छोड़ दीजिए सर, अखबार में। अरे तो आप कौन सी शिक्षा क्रांति बनाया कर दी आपने? एक स्कूल ला करके आज इतने साल से सरकार है, आप जगह जगह बखान कर रहे हैं सर कि आपकी सरकार ने शिक्षा क्रांति और एक स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, शिक्षा क्रांति और एक स्कूल। अरविंदर सेठी जी, अरविंदर सेठी जी, आप लगातार एक नया कॉलेज नहीं बनाया गया सर आपसे, अरविंदर सेठी जी, एक नई यूनिवर्सिटी निकली। हर सवाल के जवाब में सिर्फ आरोप लगाना, अगर वो जवाब है तो आप ऐसे ही जवाब देंगे, मुझे लग रहा है। तथ्य नहीं बता रहे, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आप मान लीजिए स्कूल, आप कह दीजिए आपका शिक्षा मॉडल एक स्कूल, मान लेते हैं स्कूलों के। आपने ये कहा ना सर, आपने स्कूल का उद्घाटन किया, आपका शिक्षा मॉडल एक स्कूल। आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति हॉस्पिटल, परविंदर जी, परविंदर जी, अभी जब बारिश हुई थी ना दिल्ली में, तो कितने स्कूलों की छत गिरी और कहां कहां से बच्चे जो हैं वो भाग रहे थे और किस तरह की खबरें थी, वो सब भी आपने देखा होगा। अगर अगर अखबार आप पढ़ते हैं तो वो खबरें तो आपसे भी छुपी हुई नहीं होंगी ना, तो इसलिए चैलेंज वो करना चाहिए जिसके बारे में सच्चाई पूरी हो। दिल्ली में 700 वाइस प्रिंसिपल नहीं है सरकारी स्कूलों में, रीमा जी, कौन शर्म आती है शिक्षा क्रांति कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली का रिजल्ट, दिल्ली सरकार के स्कूलों का रिजल्ट आज रॉक बॉटम है, लिस्ट में सबसे नीचे आता है, क्या बात करते हैं सर आप? प्रधानमंत्री, अरे भाई अब तो सरकार, अब तो सरकार नगर निगम आपके पास है, और भी मेहमान वेट कर रहे हैं, और भी मेहमान वेट कर रहे हैं। परविंदर जी, इस तरह से झगड़ा करने से नहीं होती ना डिबेट। राहुल जी, ओके राहुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आज जो आप कह रहे हैं वही पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कांग्रेस पार्टी की भविष्य के लिए, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले शराब घोटाले पर जो आपकी राय थी, इससे पहले शिक्षा नीति पर जो आप लोगों ने धरने दिए, बंगले को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर जिस तरह से धरना दिया गया था, ये तमाम जो रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में, अब वो सब और पंजाब में जो आरोप लगे वो सब अब पूरी तरह से एक साइड है, यानी वो आरोप अब आप लोग वापस लेते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ? रीमा जी, पहली बात, मैं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमारे पार्टी का जो स्टैंड है, हमारी पार्टी की जो पार्टी लाइन है, वो आज संसद में अधीर रंजन चौधरी जी ने बहुत ही साफ तरीके से रख दी थी, हमारी पार्टी के नेताओं ने संसद में से बहुत ही साफ तरीके से रख दिया था। पूर्व में जो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमारी पार्टी ने जो सवाल उठाए, कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाए, वो सवाल यह दिखाते हैं कि हम एक स्वतंत्र लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। आम आदमी पार्टी अगर कहीं गलत चली है तो उस पर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ कोई है तो वो पूरे तरीके से उसको व्हाइट वॉश कर देंगे। पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर इल्जाम लगाए जाते थे जैसे वो पार्टी में आए, वो भी एकदम व्हाइट वॉश कर दिए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको करप्ट बताया जाता था, जिनको कई कई नामों से बुलाया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको व्हाइट वॉश कर दिया जाता है। इस प्रकार की राजनीति में हम भरोसा नहीं करते। इस विधेयक पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ पूर्णतः खड़ी है, और इस पार्टी लाइन को संसद में हम लोगों ने काफी तरीके से साफ कर दिया था। मतलब सिर्फ इस विधेयक पर, सिर्फ इस विधेयक पर। मैं जवाब देना चाहता हूं उनसे, मैं पूछना चाहता हूँ, अमरिंदर सिंह का बोल रहे हैं कि व्हाइट वॉश कर दिया, अमरिंदर सिंह तो कांग्रेस के नेता थे और वो तो भारतीय जनता पार्टी में है, पंजाब में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है ना, वो कार्रवाई करे ना, कांग्रेस ने कैसे, बीजेपी ने कैसे उनको साफ कर दिया भ्रष्टाचार से? अब जांच करवाइए ना, सरकार तो आपकी है पंजाब में, अब तो बीजेपी भी चले गए। अमरिंदर सिंह जी के ऊपर ईडी, आप पार्टी की सरकार है ना, आप कार्रवाई करवाइए ना, आपके सहयोगी दल से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो उनके ऊपर बार बार सवाल उठा रही थी, मैं पूछ रहा हूँ जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी उसके बाद क्यों? पंजाब में तो आपके सहयोगी की पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी की, कर लेते ईडी पंजाब में, बोलिए ना उनको, केंद्र की सरकार के अंडर आती है ना ईडी, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार तो कार्रवाई करवाए ना उनके ऊपर, क्यों नहीं फिर पंजाब की राज्य सरकार कार्रवाई करे भ्रष्टाचार पे? माधवराव सिंधिया को जिन जो आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अच्छा ठीक है, ओके ओके, वो तो वो खुद ही कह रहे हैं कि वो पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता है, इसलिए इतने बड़े बड़े जो आप सवाल कर रहे हैं समीर जी, उसका जवाब वो कहां दे पाएंगे? वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पार्टी में इतनी आजादी थी, जो आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता है वो भी पहली पंक्ति के नेता से बात कर सकता है? ये तो आप बीजेपी की लाइन चुरा रहे हैं, राहुल जी, राहुल जी,
रीमा जी, जिस पार्टी का अध्यक्ष 6 महीने ना बन पाए, कार्यकारी पे चलना पड़ जाए, मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, केंद्र के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, अंत्योदय अंत्योदय बीजेपी का, आप बीजेपी का एजेंडा चुरा रहे हो राहुल जी, काटेंगे रोड बनेगी, मोदी जी पीता काटेंगे, ये इस प्रकार की राजनीति हमारी पार्टी में नहीं होती है। हमारी पार्टी में आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता को भी उतना ही अधिकार दिया जाता है। राहुल जी, आपकी ऐसी राजनीति होती है कि आपका मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष रहा है, उसको निकम्मा बोलता है, अशोक गहलोत सचिन पायलट को सार्वजनिक रूप से निकम्मा बोलते हैं, आपके यहाँ ऐसी राजनीति होती है क्या? आपके यहाँ ऐसी राजनीति होती है कि परिवार से हमारे को प्रधानमंत्री बन जाता है, उसको आखिरी में सम्मान नहीं देते हैं। नरसिम्हा राव साहब के साथ क्या उन्होंने हर्ष किया, उसका जवाब दे दे राहुल जी। अगर उन्होंने कोई बात कही है, राहुल सिंह जी, एक तो टीवी डिबेट्स में आने से पहले आप क्या कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में पूरे तथ्यों की पड़ताल करके आना चाहिए। आपने जो अभी कहा कि हर जगह जाके प्रधानमंत्री फीता काट रहे हैं, उनके पास ही अधिकार है, वो एक पद पर है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस अधिकार से मेघालय में जाकर के सचिवालय का फीता काटते थे? सर रुकिए ना एक मिनट, इस तरह से वो आरोप लगाइए ना जिसमें कुछ दम हो। अगर नई संसद का राहुल सिंह, वो आरोप लगाइए जिसमें थोड़ा सा तथ्य हो। बहुत कुछ साफ करता था मैडम, राहुल सिंह जी साफ करता था। यूपीए के समय में अगर यूपीए की चेयरपर्सन फीता काटती है किसी सचिवालय का जाकर, तो वो किस अधिकार से काटती थी, ये भी तो सवाल पूछे गए थे ना हाल ही में। मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहती, लेकिन आपने ऐसा मुद्दा उठा दिया कि जाना पड़ रहा है उस डिबेट में, फिर तो वो सवालों के जवाब भी कांग्रेस के पास होने चाहिए। फिर अगर आप दूसरों पर आक्षेप लगा रहे हैं, कहां है सब्जेक्ट के यूपीए चेयरपर्सन नहीं जाती थी, पूरा अधिकार अगर राजस्थान में कोई भी काम होता है अशोक गहलोत जी जाकर के बिल्कुल सभी उन कार्य योजनाओं का उद्घाटन करते हैं। हमारे केंद्र से कोई नेता नहीं आते ना ऐसी पूर्व में हमने ऐसी लाइन खींची है। ओके, तो वो तस्वीरें झूठी थी, मतलब उस पर इतनी डिबेट हो गई चैनलों पर। मनमोहन सिंह को कितने अधिकार थे उस एक लाइव कैबिनेट के डिसीजन कौन लेता था 10 जनपद में, मीडिया में घुमाया गया, चलाया गया, सारी फाइलें 10 जनपद आती थी पहले, उसके बाद मनमोहन जी के पास जाती थी। आज भी बीजेपी ने और उनके जो हैंडल्स है उन्होंने बस एक मुद्दा उठाया कि अरविंद केजरीवाल की वैगनआर कहां गई, और उस टाइम भी एक ही मुद्दा था कि लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन सोनिया गांधी जी ने कर दिया। इसके अलावा बस एक फोटो उठा लो और उसे पूरे दिन घुमाते रहो, पूरे दिन उसे ट्विटर पे और मीडिया के ऊपर घुमाते रहो। मैं आज इस बात पे भी एक मेरे को बड़ी विचित्र बात लगी, आपने भी कहा कि संसद का सदन और सेशन शानदार तरीके से हाउस को चलने दिया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से, क्या मणिपुर आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है? कल तक तो मणिपुर प्रायोरिटी थी, उसके बेसिस पे आपने ना राज्यसभा चलने दी ना आपने लोकसभा चलने दी, लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि साहब आप सदन के अंदर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, बता दीजिए। अरे सर बता दीजिए। दूसरी बात, मैं समझ सकता हूँ आपका पूर्ण समर्थन आम आदमी पार्टी को और दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ है, मैं समझ सर मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ, सुन तो लीजिए। अरे भाई एक्सटेम्पो थोड़ी ना है, डिबेट है, सुन तो लीजिए सर, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनते नहीं। दूसरी बात मैं रीमा जी बहुत दावे के साथ कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज भी जाकर के आपका इंडिपेंडेंट पत्रकार कभी जाके पंजाब के किसी सांसद से पूछ ले, कांग्रेस पार्टी के और दिल्ली के किसी लीडर से पूछ लिए, और मैं नाम लेके कह रहा हूँ चौधरी अनिल जी से जाकर के आप कल पता कर लीजिए कि क्या वो इस पूरे अध्यादेश पर दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ है कि नहीं है। आपको जवाब दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। अनऑफिशियली कहेंगे, अनऑफिशियली कहेंगे ना, जाके पूछिए रवनीत बिट्टू से, जाके पूछिए अमर सिंह जी से, दिल्ली में जाके पूछिए चौधरी अनिल जी से, जाके पूछिए संदीप दीक्षित से। मैं कह रहा हूँ संदीप जी तो प्रखर रूप से आकर के परसों बयान दे दिया भाई कि दिल्ली नहीं, दिल्ली आप सुन तो लो सर, सर मैं जवाब बोलता हूँ, सर मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ। संदीप जी दिल्ली के सांसद थे, मुख्यमंत्री जी के बेटे रहे, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी, आप अपने बीजेपी के सांसदों की गिनती कम कर रहे हैं। मैंने कहा कि दिल्ली के सांसद थे, मुख्यमंत्री जी के बेटे थे, और उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा कि साहब उसको सपोर्ट करते हैं। अब आपने अपने कार्यकर्ताओं की विशेष को ऊपर करके, देखिए एक बात तय है, देश के अंदर में मोदी विरोधी केवल एजेंडा रह गया है, एनडीआईए के लिए कोई विषय नहीं, केवल मोदी विरोध है।
जवाब सुन लीजिए, समय कम है मेरे पास। अजय माकन जी हो चाहे संदीप दीक्षित हो, उन्होंने अपने विचार प्रकट करे और उन्होंने ये भी कहा कि जो हाई कमांड फैसला करेगी हम उस फैसले के साथ हैं। आप पूरी पूरी उनकी वो जो व्यक्तित्व है पूरी तरह सुन के आ कीजिए। उन्होंने अपना चाहे रवनीत बिट्टू हो चाहे पंजाब के नेता हो, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई बात करी उसके बाद उन्होंने कहा जो हाई कमांड फैसला करेगी हम उसका साथ देंगे। हाई कमांड फैसला करती है। अब इसका मतलब कि INDA का अलायंस हो गया है तो आइंदा से कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब को नहीं घेरेगी। बात खत्म करते हैं, बात खत्म कह दीजिए सर। और मैं कह रहा हूँ मैं आपकी बात को बायआउट कर रहा हूँ, कह दीजिए ना। आज के बाद दिल्ली के अंदर एक टीम मीटिंग की बात होगी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात होगी, हमारी बात नहीं होगी। कह दीजिए ना सर, स्वीकार कर लीजिए, कह दीजिए इसको। वो सही है सेठी जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। परविंदर सेठी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समीर जी एक दिलचस्प बात लग रही है, एक दिलचस्प बात लग रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो सवाल आ रहे हैं उसके जवाब तो राहुल सिंह दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए जो जवाब आ रहे हैं उसके परविंदर सेठी दे रहे हैं। मतलब ये दिलचस्प हो रहा है, स्पष्ट है। दोनों इतना ज्यादा गठबंधन इतना क्लोज हो चुका है कि एक दूसरे के बिहाव पर जवाब आ रहा है। समीर जी पहले से है, 2013 में पहली बार ड्रीम लीडर का घबराया। अच्छा समय नहीं है, एक एक रिएक्शन। ओके जी आप घबराए हैं, ओके समय की बात है। समीर जी पहले आप जल्दी से, फिर मैं जानना चाहता हूं कि 2000 लोकसभा चुनाव के पहले पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण है मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, मिजोरम में। मैं सिर्फ तीन राज्यों की आपसे बात करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या प्रवक्ता नहीं है वो समर्थक है। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां कांग्रेस का समर्थन करेगी? देखिए अब जो अलायंस हुआ, जो हाई कमांड आपस में बैठकर फैसला होगा वही फैसला होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अगर आम आदमी की बात करते हैं, यंगेस्ट पार्टी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। आप सत्ता के अंदर बैठकर इतना घमंड मत कीजिए। कभी आपके भी दो सांसद होते थे, आप भी वहां पे थे। जहां तक आप लोगों के टैक्स पेयर के पैसे के नुकसान की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितने कितने प्रदर्शन करे, कितने भारत बंद करे। वक्त नहीं है प्रोफेसर भुवन, एक लाइन में आप कुछ कहना चाहते हैं, खत्म करना शो। देखिए आज अभी रीमा जी आपने कहा कि आज इंडिया के दोनों अलायंसों में इतना प्यार हो गया कि वो उसका जवाब दे रहा है, और यही इंडिया है। जब एकता होती है, अखंडता होती है और सारे मतभेद करके एक बात को क्लियर कर दिया जाता है कि देश बड़ा है, लोकतंत्र बड़ा है, संविधान बड़ा है। ओके भुवन जी, अच्छा लगता अगर दो दिन पहले शरद पवार के बारे में संजय राउत ने जिस तरह का बयान दिया था, वो एकता मुंबई में भी दिखाई देती, पुणे में भी दिखाई देती, जब धरना दे रहे थे बाहर कांग्रेस के लोग और साथ में शिवसेना उद्धव गुट भी, तब भी INDA एक साथ दिखता तो इस बात का जवाब आपको मिल जाता। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज पांच की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए दिल्ली में अधिकारों को लेकर जो लड़ाई है, खासकर अफसरों के पोस्टिंग को लेकर, तबादले को लेकर, ये तमाम चीजें जो है, लगता है कि लोकसभा में जब बिल पास हो जाएगा तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि LG ने भी यही कहा कि अब कम से कम राजनीति से हटकर दिल्ली वालों के हित के लिए भी काम कर लिया जाए, तो दिल्ली सरकार हो सकता है अब इस पर भी विचार करें। आज पांच की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच।